हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं तनसुख पालीवाल, लिंक क्लॉज अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वार्म वेलकम। हाँ जी, देखिए ऐसा है, आज जो स्पेशल क्लास अपन करने जा रहे हैं वो क्या होगी, वो आपके जजमेंट राइटिंग के सेगमेंट को क्या करने वाली डील है, जो करने वाली है। राइट, एक बार मुझे इस बात का थम्सअप दे दीजिए कि सर आवाज और वीडियो, यानी कि ऑडियो और वीडियो दोनों एकदम परफेक्टली आ रहे हैं, गिव मी अ थम्सअप। अब देखिए, आज की इस लाइव क्लास के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि आपको स्पेसिफिकली अटेंशन रखना है एक सब्जेक्ट के उस सवाल पर जो कि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि आज की क्लास को कहीं कहीं हम लोगों ने किसको डेडिकेट किया है, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज को डेडिकेट कर रखा है। आरजेएस मेंस के अंदर हमारे सामने जो कई तरह के सवाल आते हैं उनमें से बेसिकली 10 नंबर का पोर्शन जो है वो किसको रिजर्व किया जाता है, जजमेंट राइटिंग को अलोकेट है जो किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या, कि हम लोग अगर ये सोचते हैं कि जजमेंट राइटिंग जो है वो सिर्फ 10 नंबर का पोर्शन है तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। ओके, और दूसरी बात, अगर हम ये सोचते हैं कि जजमेंट राइटिंग ड्राफ्टिंग का पोर्शन है तो ये दूसरी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, जजमेंट राइटिंग के केस में दो स्पेसिफिक बातें हमेशा क्लियर रखना। पहली बात थी, जो हमारा जजमेंट राइटिंग का पोर्शन है, जो हमारा जजमेंट राइटिंग का पोर्शन है, नंबर एक, अगर वो सिर्फ 10 मार्क्स का है तो ये सोचना गलत है, और दूसरा ये सिर्फ ड्राफ्टिंग का पोर्शन है, ये सिर्फ आपके ड्राफ्टिंग का पोर्शन है तो ये सोचना गलत है। ये दोनों ही अपने आप में गलत फहमियां हैं यहाँ पर। ऐसा क्यों है, ध्यान से सुनना। पहली बात तो ये कि जजमेंट राइटिंग के अंदर जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कभी कॉन्सेप्ट बाहर से ऊपर से नहीं टपकता है। वो कॉन्सेप्ट आपके जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, किसके संबंध में, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मान लीजिए आपके इंडियन पिनल कोड की, आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, वहीं से डेराइव्ड है जो होता है। आपका कॉन्सेप्ट किससे डेराइव होता है, वहीं से डेराइव्ड होता है। सपोज करो, एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि आपने एक बात FIR दर्ज करवाई, कोई ऑफेंस कमिट हुआ, उसके बाद में FIR जो है लॉन्च की गई। अभी FIR जो है, इसका जब आप जजमेंट राइटिंग के अंदर जिक्र करोगे, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये अपने आप में क्या, ऑफेंस हुआ, उसके बाद में आपने एक एक्शन लिया, इस एक्शन का जिक्र आप जजमेंट राइटिंग के अंदर करोगे तो आपको FIR का रिलेवेंसी बताना पड़ेगा। वहां आप लिखोगे, या तो आप ये लिखने वाले हो कि भाई पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है, ऑफेंस हुआ, ऑफेंस के जस्ट बाद में उस पर्सन ने, उस एग्रीड पर्सन ने जाकर पुलिस स्टेशन के अंदर FIR दर्ज करा दी, तो यहां पर जो है FIR विल बी पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, इसलिए उसकी रिलेवेंसी हो जाए, नंबर एक। नंबर टू, FIR के अंदर जो पुलिस के सामने स्टेटमेंट दिया जाता है वो एक तरीके से प्रीवियस स्टेटमेंट होता है, और प्रीवियस स्टेटमेंट को फ्यूचर स्टेज पर जाकर कॉरोबोरेट कर सकते हैं, संपुष्टि कर सकते हैं या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि उसका खंडन कर सकते हैं 145। तो यहां पर आप प्रोविजन देखिए कि कौन कौन सी चीजों को आप कनेक्ट यहां पर कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने आपके सामने FIR का, ठीक। अगर आपको बेसिक प्रोविजन नहीं आते ना, आप जजमेंट राइटिंग नहीं कर सकते, ये बात क्लियर कट है। If you do not aware about the basic conceptual provision regarding the Indian Evidence Act, Indian Penal Code and the Criminal Procedure Code, don't even think that you can write a perfect judgment. क्यों नहीं कर सकते ऐसा? इसके पीछे कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन आपको ध्यान में रखना है कि आपको हर उस सेक्शन की जानकारी रखनी होगी जिसका corroboration, जिसका contradiction आप अपने जजमेंट के अंदर करते हो। देखो, अगर जजमेंट को सिंपल भाषा में पूछा जाता है क्या जजमेंट, तो जजमेंट बेसिक सी बात है कि भाई आप जो कुछ भी है, जो आप केस को सुनते हो, उसके बारे में आपकी फाइनल जुडिशियल ओपिनियन क्या है, ओपिनियन नहीं, जुडिशियल ओपिनियन क्या है, वो मायने रखेगा यहां पर। तो अब इसी तरीके से हम कोई भी चीज ऑब्जर्व करेंगे तो उसका एनालिसिस कंपेयर किससे करेंगे। आपको पता है हमारे पास में एक सेक्शन 73 इंडियन एविडेंस एक्ट का, पता है 73 क्या कहता है, 73 कहता है कि अगर जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है, आपके पास दो हैंडराइटिंग, आपको कंपेयर करना है कि ये हैंडराइटिंग सही है या नहीं है, तो जो डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग है उसको आप कंपेयर करो एडमिटेड हैंडराइटिंग के साथ में, या जो प्रूव्ड हैंडराइटिंग है उसके साथ में। ध्यान से सुनना, दो बातें उसने कही है, ठीक। तो अब उसको साबित करने के लिए आप उसको कंपेयर करते हो, ठीक। उसी तरीके से कोई भी फैक्ट आपके सामने आएगा, उसको आप एविडेंस के लॉ से कंपेयर करोगे और देखोगे वहां पर रिलेवेंसी का नियम आता है कि नहीं आता है, वहां पर एडमिसिबिलिटी का प्रोविजन आता है कि नहीं आता है। अब सपोज करो FIR है, अब कहने को तो FIR जो है इसका जिक्र हम जजमेंट राइटिंग के अंदर करते हैं, लेकिन क्या डायरेक्टली होता है क्या, नहीं। आप यहां पर पॉइंट को कनेक्ट करोगे सेक्शन 6 इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ में, और वहां पर लिखोगे कि भाई सेम पार्ट ट्रांजेक्शन है,
सेम ट्रांजेक्शन के तहत जो है एफआईआर दर्ज कराएगी, ऑफेंस हुआ, दो चार घंटे में जाके एफआईआर दर्ज करा दी, रिलेवेंट हो गया। दूसरी बात है, यहाँ पर आप उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट देखोगे, सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो पार्टी का है वो आपके सेक्शन 8 के तहत क्या हो जाएगा, रिलेवेंट हो जाएगा। सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो है वो यहाँ पर रिलेवेंट होगा। नंबर थ्री, आप देखोगे इसके अंदर कि आपके सीआरपीसी का एक सेक्शन काम आएगा, कौन सा सेक्शन, 161 जो है वो काम आएगा, जिसको 162 के साथ में पढ़ा जाएगा, ठीक। और इंडियन एविडेंस के अंदर बात करूं मैं तो उस विटनेस की जब टेस्टिमनी रिकॉर्ड की जाएगी ना, तो सेक्शन 145 या फिर आपके सेक्शन 158, 157, ये सब क्या है, ये सब कॉरोबोरेशन के नियम है। तो कॉरोबोरेशन या कॉन्ट्रोडिक्शन, इन सारी चीजों को आप तब ऑब्जर्व कर पाओगे ना जब आपको इंडियन एविडेंस एक्ट की बेसिक पकड़ है। अगर ग्रिप नहीं है तो मान के चलो भूल जाओगे कि जजमेंट राइटिंग अच्छे से हो पाएगा। मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, बात मैं आपसे सिर्फ इतनी कहना चाह रहा हूं कि आप अगर जजमेंट राइटिंग के सेशन को स्टार्ट करना चाहते हो, आप अगर जजमेंट राइटिंग को अपने हाथों से एक बार मेंशन करना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे जरूरी जो बात रहेगी वो रहेगी कि आप पहले बेसिक प्रोविजन पर कमांड बनाओ। और बेसिक प्रोविजन के अंदर आज मैं आपके सामने क्रिमिनल जजमेंट का एग्जाम्पल ज्यादा रख रहा हूं, और फिर हम राजस्थान के जयपुर की उस घटना का जिक्र करेंगे। आपको पता है ना, राजस्थान जयपुर के अंदर जो है कुछ दिन पहले एक होटल के अंदर एक मिस्टर नटवरलाल आया, उसने खुद का गेम खेला, गेम खेल के 2 करोड़ प्लस के अमाउंट की जो ज्वेलरी थी वो अपने साथ लेकर चला गया, और किस तरीके से होटल वालों को उसने बेवकूफ बनाया, सारा मामला सामने आ जाएगा, ठीक। तो अब उसके ऊपर भी जजमेंट क्या हो सकता है डिस्कशन करेंगे, क्योंकि करंट का मैटर है, हमारे लिए मायने रखेगा। अगर यहां पर जो है क्लास अटेंड करने की बजाय हम तेरा स्कोर क्या था, तुम कहां से हो, है ना, तुम्हारा भी नाम पूजा है, हाँ मेरे पड़ोस में रहती उसका भी नाम पूजा है, ये पूजा पूजा मिलके तुमको कब दूजा कर देंगे पता नहीं चलेगा, ध्यान रखना, मोह माया में मत फंसो, ये मोह माया काम नहीं आएगी। जज बनोगे, अपने लेवल का लाइफ पार्टनर ढूंढोगे, क्या करोगे, अपने लेवल का लाइफ पार्टनर ढूंढोगे, और नहीं तो ये जो आम सर्च चलते ना इसको जनरल सर्च बोलते हैं, मत करो, इसमें कुछ नहीं रखा है, समझ रहे हो, अभी जो रखा है वो यहां है, इसको अटेंशन रखे फॉलो करना है। हाँ जी, तो क्या होगा यहां पर कि अब उस केस के अंदर क्या क्या, तो वो भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, ये मान के चलना कि क्रिमिनल जजमेंट अगर आप अच्छे से कमांड बनाना चाहते हो, क्रिमिनल जजमेंट यानी कि क्रिमिनल केस में जो जजमेंट लिखेंगे देखा जाएगा उसके अंदर अगर आप अपनी कमांड अच्छे से करना चाहते हो तो आपको चार चीजें चाहिएगी। चार चीजें, नंबर वन, आपको इंडियन पिनल कोड जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से पता चलता है कि ऑफेंस है जो कौन सा आएगा, नंबर वन। दूसरा सीआरपीसी, ये आपको जानकारी इससे होगी ताकि जजमेंट के अंदर जब आप प्रोसीजरल पार्ट लिखोगे ना, प्रोसीजरल पार्ट, वहां पर वो मामला बहुत रोल प्ले करेगा, वहां पर मामला बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, यानी कि प्रोसीजर को फैक्ट पार्ट में आप मेंशन करने वाले हो। अच्छा, दूसरी बात है सीआरपीसी के अंदर अपने आप में, सीआरपीसी में अपने आप में एविडेंस के कई सारे नियम है। आपको ये जानकारी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसने एविडेंस के संबंध में सारे नियम नहीं लिख रखे, ठीक है। तो अब वहां पर क्या रोल प्ले होगा, यहां पर जो है आपको सीआरपीसी के अंदर के जो एविडेंस के नियम है उनको भी साथ साथ में कनेक्ट करना है। चेक डिसऑनर जैसा मामला आता है तो आपकी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी काम करेगा, है ना, तो इस बात को आपको ध्यान में है जो रखना है, ठीक। सीआरपीसी के अंदर दो एंगल, प्रोसीजर और एविडेंस, आईपीसी में एक एंगल ऑफेंस को आइडेंटिफाई करना, और साथ साथ में आपके एविडेंस लॉ, एविडेंस लॉ के अंदर जो आपके रिलेवेंसी के नियम है नंबर एक, दूसरा एडमिसिबिलिटी के जो नियम है नंबर टू, और तीसरा विटनेस के एग्जामिनेशन के जो नियम है, विटनेस के एग्जामिनेशन के जो नियम है। तो ये तो तीन पार्ट है, पहला आईपीसी वाला सेगमेंट आपके सामने रहेगा, ठीक है, दूसरा सीआरपीसी का सेगमेंट, तीसरा एविडेंस का सेगमेंट, और चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है जजमेंट का फॉर्मेट। वो क्या है, जजमेंट का फॉर्मेट। अगर मैं आपको ये कहूं ना कि कोई आपको ये कहता है कि हमारे पास आ जाओ, है ना, सिर्फ आपसे 5-10 हजार रुपए लेंगे हम आपको, और जजमेंट राइटिंग एकदम मस्त वाला सिखा देंगे, मस्त वाला, ऐसा लगेगा कि आप मक्खन खा रहे हो, है ना, वो आधा झूठ बोल रहे हैं। आधा सच पता है क्या, आधा सच ये है कि आप जजमेंट सिर्फ तभी लिख सकते हो जब आपको ये तीन स्टेप आते हो, 1, 2, 3। अगर ये तीन के बारे में नहीं पता है तो इस चौथे सेगमेंट के बारे में भूल जाओ, है ना। और इस तीन के अंदर ही क्या सारे प्रोविजन आएंगे क्या, ना,
सारे प्रोविजन नहीं आने वाले। वहां पर क्या होगा, वहां पर जो स्पेसिफिक कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, जैसे इंडियन पिनल कोड। अब यहां पर आपको खास कर देखा जाता है कि चैप्टर 16 चैप्टर 17 जनरली जो है ना आपका मामला इससे बन जाता है, चैप्टर 16 या 17 से जनरली। हालांकि इसके अलावा भी कुछ चैप्टर और से हैं। तो अब जजमेंट राइटिंग है तो थोड़ा तो स्पेसिफिक आईपीसी चाहिएगा, स्पेसिफिक सीआरपीसी चाहिएगा और एविडेंस तो पूरा का पूरा है जो चाहिए होता है। तो कोई भी जजमेंट स्टार्ट करोगे उससे पहले अगर बेसिक कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं किया है तो मामला थोड़ा सा जो है वो डाउन रहता है। हाँ जी, चलिए देखो मैं देख पा रहा हूं यहां पर आपके कमेंट भी, सर मेरा आरजेएस अच्छा नहीं हुआ। अगर अच्छा नहीं हुआ तो जीवन के अंदर कोई चीज अच्छी नहीं होती तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि आगे वाली सारी चीजें बुरी होने वाली है, है ना। बढ़िया सा एफर्ट वापस मारो, एक अच्छे तरीके से अपनी कमियों को नोट डाउन करो, है ना। जो आपने गलतियां की हैं पेपर के अंदर लिखो, लिखी है क्या, नहीं लिखी होगी मुझे पता है, नहीं लिखेंगे हम। पेपर साइड में किसी कॉर्नर के अंदर पड़ा होगा, उस पेपर को उठाओ, एक प्रॉपर फाइल बनाओ, उस पेपर को फाइल में डालो और पेपर के ऊपर अपनी हैंडराइटिंग के अंदर लिखो जो जो सवाल गलत हुआ है उसके पीछे कारण क्या था, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना आप उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ, है ना। अरे गिरना बड़ा इश्यू नहीं है, ह्यूमन बींग है, गिरेंगे तभी तो संभलेंगे, लेकिन किस कारण गिरे ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया आपको 99 ऐसे अवसर देकर गलत साबित करेगी, क्या करेगी, 100 में से 99 मौके देगी आपको गलत साबित करने के। आपके पास सिर्फ एक मौका होता है खुद को सही साबित करने का, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स प्रोबेबल है, सिक्योर्ड है, मेंस में खुद को क्वालिफाई मान रहे हैं, उनके लिए वो 1% मौका अभी है, है ना। कर लो अभी जो कितनी तैयारी करनी है ना, कर लो जीवन के अंदर ना, एक बार लगा लो तन मन पूरा अच्छे से और फिर देखो रिजल्ट जो भागकर जाएगा कहां। और उस एक मौके से आप 99 लोगों के ओपिनियन को गलत है जो साबित कर सकते हो। तो ये यहां पर आपके 3 सेगमेंट आएंगे, तब चौथा सेगमेंट बनेगा। अब इस बात का जजमेंट का फॉर्मेट जो है ना वो फिक्स होता है, मैं आपको सीधे तौर में एक बात बताता हूं। इनफैक्ट जैसे अब जुडिशी का जो मैं बैच स्पेशल बैच स्टार्ट करूंगा 15 तारीख से ना, उसमें भी कुछ नया नहीं करने वाला हूं, उसी के अंदर जजमेंट के फिक्स और वेरिएबल कंपोनेंट आपके सामने शेयर करूंगा कि एग्जाम के अंदर आपको ये फिक्स फॉर्मेटिक फॉलो करना है और यहां यहां पर आपको ये वेरिएबल चीजें चेंज करनी है, जजमेंट डन हो जाएगा। हमें खुद को इस तरीके से तैयार करना है कि आधे घंटे के अंदर मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर हम हमारा जजमेंट जो है कंप्लीट कर सके और जिसमें इंक्लूड रहेगा सेंटेंस की हियरिंग। आपको ध्यान होना चाहिए कि सेंटेंस की हियरिंग के लिए हमेशा एक अलग पैराग्राफ लिखा जाता है जजमेंट के अंदर। अक्सर यह होता है कि उस हियरिंग के अंदर हम लोग कई बातें छोड़ देते हैं या फिर लास्ट टाइम होता है तो कन्विक्शन करके जजमेंट को खत्म कर देते हैं, कन्विक्शन या एक्विटल जो भी है। लेकिन अगर कन्विक्शन हो रहा है तो आपको तुरंत हियरिंग ऑफ सेंटेंस करानी पड़ेगी। हियरिंग ऑफ सेंटेंस के बाद में आपको सजा कितनी देनी है, प्रोबेशन का बेनिफिट देना है कि नहीं देना है, 428 के तहत सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा, ये सारी बातें भी बतानी होगी। ओके, ठीक है। तो यहां पर जो है ना फिक्स प्लस वेरिएबल का फॉर्मूला जो है जजमेंट राइटिंग के अंदर चलेगा। नाउ अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि ये चीज किस तरीके से आपके सामने जो काम आती है। देखो वर्तमान के अंदर एक जो अपना रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा है ना जुडिशियल लिंकिंग मैच वाला, उसके अंदर तो बिल्कुल डेली जो जजमेंट आते हैं उसको हम साथ साथ में कवर कर रहे हैं। जैसे आज नेहा त्यागी का जजमेंट आया, मेंटेनेंस के ऊपर एक अच्छा पॉइंट था तो डिस्कस कर लिया। लेकिन क्या होता है कई बार यूट्यूब वगैरह पे कुछ चीजें हम डिस्कस नहीं कर पाते, तो आपसे इतना जरूर कहूंगा भले ही सेल्फ स्टडी करो, भले कहीं पर भी ज्वाइन करो, है ना, कर लो। आप लोग अगर खुद ये इस भरोसे बैठे हो कि नहीं नहीं बैठे बैठे सब कुछ हो जाएगा तो होना नहीं है, और सेल्फ स्टडी से भी आजकल सब कुछ होता नहीं है, ये भी नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को। हाँ जी, अब यहां पर आपके सामने वो इस रिलेवेंट जजमेंट में पोर्शन लेके आता हूं। ये वो घटना है, ये घटना आज के अखबार में आपको हर जगह मिल जाएगी। सर दिख नहीं रहा है, गौर से देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सुन तो रहे हो ना, सुन लीजिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये सिर्फ इसलिए लाया हूं ताकि आपके माइंड में इंटरेस्ट जगा रहे। सूरत से इस बंदे को दबोचा है, कहां से, सूरत से। घटना कहां की है ध्यान से देखिएगा, कुछ घटनाएं जब रियल टाइम लिंक करते हैं ना तो मजा कुछ और आता है। घटना है सूरत की, ठीक है, सूरत से इस बंदे को पकड़ा गया है। ओके, अब क्लू कहां से मिला, चेन्नई से उसका क्लू मिला कि भाई वो बंदा वहां पर है, ठीक है। और इसने पहली बार घटना नहीं की है, इससे पहले भी ये कई तरह की घटनाएं कर चुका है। जैसे इसने पहले अलग अलग होटल के नाम दे रखे, होटल ताज, हयात, रमाडा, टाउन प्लाजा, नवोंटल, ऐसी कई सारी होटल्स के अंदर भी ऐसा मामला हो चुका है।
लेकिन क्या है, कई बार होटल वाले खुद ही मैटर को दबा देते हैं क्योंकि उनका नाम खराब हो जाता है ना ऐसे केसेस के अंदर। लेकिन ये बंदा पड़ा है, 20 साल में इसने 30 वारदात की गई, तो मिस्टर नटवर लाल जो है ना अब पकड़ा गया। अब सवाल ये आता है कि इसने जो अपराध किया था, आप में से कितने कैंडिडेट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आप में से कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस घटना का जब मामला हुआ था तो उसमें न्यूज़पेपर की पूरी इवेंट को पढ़ रखा है, बताइए। यस कर दीजिए कि हाँ सर मैंने पढ़ रखा, एक बार यस कर दो मुझे ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने इस इवेंट को, ये जो घटना हुई थी जयपुर वाली, उसको ऑब्जर्व कर रखा है, ताकि आज की जजमेंट राइटिंग के अंदर एक अलग तरीके का मजा आए। हाँ जी ओके, हाँ रिप्लाई कर दीजिए मेरा क्वेश्चन भी। चलो तो जो कोई भी आपका सवाल है मस्ती से पूछ लो ओके। और अगर आपने ये वाला बहुत न्यूज़ पढ़ रखा है तो अब इस न्यूज़ के बारे में बातचीत है जो कर दीजिए। क्या 64 वाला सेफ है? हाँ जी 64 वाला सेफ है, तैयारी कर लीजिए ओके। तो घटना नहीं पड़ी तो मैं आपको बता देता हूँ, हुआ ये था कि जयपुर की एक होटल थी जिसके अंदर जो बाहर से कुछ लोग आए थे, उसमें कपल भी शामिल था, तो एक कपल जो है वो यहाँ पर आके रुका हुआ था और वो कपल जो है अपने साथ में 2 करोड़ की ज्वेलरी लेकर आया था और कुछ कैश वगैरह लेकर आया था। अब बड़े बड़े होटल्स में क्या होता है, लॉकर की सुविधा होती है, तो उसमें उन कपल को उस रूम के अंदर जहाँ पर वो ठहरे थे एक लॉकर उपलब्ध करवाया गया। ठीक, शाम को जब वो अपना रूम वूम लॉक करके, लॉकर वॉकर प्रॉपरली लॉक करके जब गए थे कोई फंक्शन अटेंड करने, पीछे से कोई एक बंदा आता है और वो होटल वालों को फोन करता है कि भाई ये कारण हो गया वगैरह वगैरह, और उसने होटल का रूम भी खुलवा देता है और होटल वालों को इस बात से विश्वास में लेकर कि वही वो पर्सन है जिस पर्सन को आपने रूम दे रखा है, उसको विश्वास में लिया कि मैं ही वो बंदा हूं, है ना, और फटाफट ये लॉकर आके खोलो यार हमारा फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, मेरी वाइफ को गहने पहनने फटाफट लाइए। तो वो होटल वाले मास्टर की लेकर आते हैं, लॉकर खोल देते हैं और लॉकर खोलते ही वो बंदा वहां से गहने लेके फरार हो जाता है। अब बात आती है कि भैया यहां पर क्या क्या अपराध हुआ, ऑफेंस हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑफेंस का एलिमेंट फाइंड आउट करना, और ऑफेंस का एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप किसकी सहायता लोगे, इंडियन पिनल कोड की है जो सहायता लोगे। अब मैं यहां पर ज्यादा डेफ में नहीं जाऊंगा, बट आपको इतना बता देता हूं कि उस पर्सन ने 2 तरह के अपराध किए। पहला अपराध उसने यहां पर क्या कर रखा है, थेफ्ट है जो किया है, ठीक है, और थेफ्ट चूंकि होटल के अंदर किया है तो यहां पर कौन सा थेफ्ट आएगा, 379 वाला थेफ्ट आएगा क्या, नहीं, यहां पर आपके जो थेफ्ट आएगा वो 380 वाला आएगा। कौन सा आएगा, 380 वाला थेफ्ट है जो आएगा। थेफ्ट होने के बाद में, थेफ्ट होने के बाद में यहां पर उस पर्सन ने कहीं कहीं जो है थेफ्ट करने के लिए चीटिंग की है, ठीक है, मतलब खुद को उसने कुछ और पर्सन बताया ना, तो चीटिंग की, इसको बोला जाता है चीटिंग बाय पर्सोना। क्या बोलते हैं, चीटिंग बाय पर्सोना, ये वाला अपराध किया इसने। और बकायदा चीटिंग करके क्या वो प्रॉपर्टी लेके चला गया, उसने तो चीटिंग की पर्सोनेशन की और उसके बाद में सीधी सी बात है वहां से प्रॉपर्टी लेके भी चला गया। आप इसको रॉबरी कह सकते हो क्या, रॉबरी नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे रॉबरी, क्योंकि रॉबरी करने के लिए तो कुछ फियर क्रिएट करना पड़ता ना, इसने फियर नहीं है, इसने जो क्रिएट किया है उसको बोला जाता है डिसेप्शन। इसने क्या क्रिएट किया है, इसने जो है लोगों के माइंड में डिसेप्शन है जो क्रिएट किया है, प्रवंचना जिसको बोला जाता है, ये प्रिज्यूम कराया कि वो अदर पर्सन है जिसको आपने रूम में अलॉट कर रखा, ठीक है। अब वहां पर वो जो गहने वहने लेके गया तो सीधी सी बात है 416 के साथ में 420 का कनेक्शन भी आप जोड़ोगे। अब यहां पर सवाल ये भी बनता है, क्या इस केस में आपको क्या लगता है, इस केस के अंदर जो है आपके क्रिमिनल ट्रेसपास भी हुआ है क्या, यहां पर किसी तरीके का आपराधिक अत्याचार भी हुआ है क्या, कि भाई होटल के अंदर वो बंदा घुस गया इस तरीके से ट्रेसपास पास कमिट किया है क्या, तो इसकी संभावनाओं को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात यह आ रहा है कि वो पर्सन होटल में एंटर हुआ है तो अगर वो लॉफुली उसका इंटरेस्ट नहीं था, उसका इरादा क्या था, अपराध अपराध करने का था, ठीक है। अब वहां पर हाउस ब्रेकिंग आएगी कि नहीं आएगी वो एक अनदर मैटर है, लेकिन अगर हाउस ट्रेसपास का मामला यहां पर क्या है बन सकता है, हाउस ट्रेसपास का मैटर यहां पर बन सकता है। तो देखो खैर मेन बात यह है कि ऑफेंस को डायग्नोज करने के लिए आपको पता होने चाहिए इंडियन पिनल कोड के ऑफेंसेस के एलिमेंट, अगर वो पता है तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, ऑफेंस के बारे में सटीक निशाना लगा सकते हो। अब यही चीज है, तो पहला स्टेप जो आपका होता है ना, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ये होगा ऑफेंस को डायग्नोज करो। सबसे पहली चीज आपके सामने क्या आएगी, ऑफेंस को आपको क्या करना है, डायग्नोसिस करना है, और वो डायग्नोसिस आप तब कर पाओगे जब आपको इंडियन पिनल कोड के अलग अलग प्रोविजन के बारे में पता होगा, ठीक। डायग्नोस करने के बाद में उस ऑफेंस के जो एलिमेंट है ना उनको एक सीक्वेंस में रखना होता है, ऑफेंस के जो एलिमेंट है उनको एक सीक्वेंस में याद भी रखना होता है। स्टेप टू यहां पर आपके सामने क्या आता है कि वो जो ऑफेंस किया है अगर आप उसको एक सीधी साधी लैंग्वेज में लिखोगे तो कैसे लिखोगे। जजमेंट राइटिंग से प्रैक्टिस करने से पहले आपको चार्ज फ्रेम करना आना चाहिए। अब यहां पर चार्ज फ्रेम कैसे होगा बताओ, तो
भाई पहले उस बंदे ने कहीं ना कहीं हाउस टेस्ट पास किया, मतलब हाउस होटल के अंदर वो घुसा अपराध करने वरने के लिए, है ना, हाउस टेस्ट भी पास किया। उसके बाद में उसने चीटिंग डिसेप्शन का एक्सरसाइज किया, उसके बाद में फिर उसने थेफ्ट कमिट किया। तो यहां पर एक दो और तीन चीजें एक साथ आ रही है, 1 2 3। हाउस ट्रेसपास पहले आएगा नंबर वन, उसके बाद में डिसेप्शन एक्सरसाइज करके चीटिंग करना परसोनेशन द्वारा सेकेंड ऑफेंस, और तीसरा ऑफेंस थेफ्ट वाला ऑफेंस। तो यहां पर तीन कैटेगरी के चार्जेज हैं जो फ्रेम किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताए क्या, चार्जेस कैसे फ्रेम करोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। मैं आपको बता रहा हूं, जजमेंट राइटिंग जो है ना एक तरीके से बोनस मार्क्स वाला टॉपिक है, बोनस मार्क्स वाला टॉपिक है। प्रीलिमिनरी के अंदर आपको एक इलस्ट्रेशन दिया जाता है, पूछा जाता है बताओ इनमें से कौन सा ऑफेंस हुआ, हाँ या ना, पूछा जाता है एग्जैक्टली। अब आप उसके लिए आपको कितना नंबर मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है, एक नंबर बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। जबकि जजमेंट राइटिंग के अंदर आपको जो केस है उसमें अगर आपने सही ऑफेंस को डायग्नोज कर दिया तो आप मान के चलो कहीं ना कहीं बाकी के आपके 9-10 नंबर का भी मामला वहां पर सेट हो गया, 9 to 10 मार्क्स का। सिर्फ ऑफेंस डायग्नोसिस की टेक्निक चाहिए होती क्रिमिनल जजमेंट के अंदर, ऑफेंस डायग्नोसिस की, बाकी जजमेंट जो ना एकदम फ्लैट तरीके से हमारे सामने अपीयर होता है ना। तो खैर अब इस तरह का केसेस है, तो स्टेप टू के अंदर क्या आएगा, स्टेप टू के अंदर आएगा कि आप उसको प्रोसीजरल भाषा में कैसे लिखोगे। प्रोसीजरल भाषा मतलब कि सबसे पहले कि ऑन दैट डे यू हैव एंटर्ड इनटू द हाउस ऑफ मिस्टर बी विथ फोर्सफुली, है ना, तो ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करते उसकी भाषा है जो लिखी जाती है। अब ये कैसे लिखी जाती है इसका वन बाय वन केस अपन डिस्कस करेंगे, कब, जब हम प्रॉपर तरीके से प्रीवियस पेपर्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं, आरजेएस और हेड जुडिशियल सर्विसेज के संबंध में, और साथ ही साथ में जो अपना 15 दिसंबर को, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं कराने वाला है, या फिर सिर्फ आपको फटाफट ओवरव्यू नहीं कराने वाला है, 100% कोर्स कवरेज होगा मेंस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में बातचीत है जो करेंगे, ठीक। अब यहां पर इस तरह का जो केस आता है ना, मौका, देखो ये बात मैंने आपको, ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई ना, इसका एक ही ऑब्जेक्ट है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप खुद को थोड़ा बहुत भी योग्य मान रहे हो कि हाँ सर प्रीलिमिनरी का एग्जाम देकर आए हैं तो इतना तो हमारे में कॉम्पिटेंसी है कि हम थोड़ा सा अपना लेवल तैयार कर सकते हैं, तो आप इस न्यूज पर आज ही बैठकर जजमेंट लिखो। क्यों? क्योंकि इस पर मैं स्पेशल क्लास लूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस पर मैं स्पेशल क्लास लूंगा और अपना खुद का लिखा हुआ जजमेंट आपको दिखाने वाला हूं, मैं अपना खुद का लिखा हुआ जजमेंट आपको दिखाने वाला हूं। और अगर आपने पहले से कुछ तैयारी कर रखी होगी तो यकीन मानिएगा आपके लिए वो चीज बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी, क्योंकि आपने लिखा है तो आपने गलतियां की होगी और उन्हीं गलतियों को जब आप स्पेशल क्लास में देखोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल इवेंट है जो रहेगा, बहुत ही है जो हेल्पफुल इवेंट यहां पर रहेगा। सर स्टोरी बता दीजिए, न्यूज़पेपर की कटिंग सेंड कर दीजिए टेलीग्राम पर, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, पूजा जी मैं सब कर चुका हूँ। अगर आप अपडेटेड हैं तो मैंने लिंकिंग लॉ पर न्यूज़पेपर की स्टोरी भी शेयर कर रखा है और न्यूज़पेपर का जो कहानी है वो भी मैंने मॉर्निंग में शेयर कर दिया है, एक बार आप उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही कहा है लिंकिंग लॉ का टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों पर कभी भी कोई बकवास वाली चीज नहीं आने वाली, जो भी चीज आएगा आपके काम का ही चीज आएगा, तो आप नोटिफिकेशन थोड़ा ऑन रख के रखा करो ताकि आज जैसी नौबत कभी नहीं आए। हाँ जी चलिए अब बात करते हैं कि यहां पर इस केस में जब जजमेंट आएगा तो आपको तीन मैंने ऑफेंस बता दिया, ऑफेंस डायग्नोसिस का काम हम यहां पर कर चुके हैं, थेफ्ट हुआ है 380 का, ठीक है, चीटिंग बाय पर्सोनेशन का ऑफेंस हुआ है, साथ साथ में 420 भी कनेक्ट कर चुके, और साथ ही साथ में क्या हुआ यहां पर एंड में जाकर उस बंदे ने जो ट्रेसपास कमिट किया था वो वाला पॉइंट भी आ जाएगा। हाँ कभी भी जो चीजें हैं ना वो हमेशा एक सीक्वेंस के अंदर आनी बहुत जरूरी होती है, जिस तरीके से अब जैसे सपोज करो एक बंदा घर में घुस के कोई चोरी वोरी करता है या फिर घर में घुस के किसी का मर्डर कर देता है तो आप यहां पर कौन कौन से ऑफेंस कमिट करोगे, सिंपली बताना मुझे। ये आपके सामने केस है, ठीक है, क्या हुआ कि ये एक पर्सन है, ठीक, ये पर्सन रात को 2 बजे 2 AM, ठीक है, रात को 2 बजे इस घर की छत से एंटर करता है, कहां से, जो घर की छत है ना वहां से एंटर करता है, ठीक, एंटर कर गया, घर के अंदर आ गया और इसने एक दूसरे पर्सन को जो है क्या कर दी, गोली मार दी, मतलब इसका मर्डर इसने कर दिया, मर्डर इसने यहां पर कर दिया, ठीक। अब जब इस ऑफेंस का बनाओगे चार्ज तो आप पहले क्या लिखोगे और बाद में क्या लिखोगे, पहले क्या लिखने वाले हो और बाद में क्या लिखने वाले हो, तो सीधी सी बात है, पहले जो आप ऑफेंस बनाओगे वो हाउस ब्रेकिंग का बनाओगे, और हाउस ब्रेकिंग तब बनाओगे ना जब आपको उसके बारे में पता है, अगर हमें 445 IPC पता ही नहीं है तो क्या अग्रह भेदन का ऑफेंस हमारे सामने बन पाएगा। हाउस ब्रेकिंग के बाद में आप फिर देखोगे कि वहां पर जो ऑफेंस ऑफ मर्डर हुआ है या कल्पेबल होमिसाइड हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके सामने वहां पर आई है। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ,
एक बंदा जो है किसी दूसरे घर में चोरी करने गया था, चोरी करने गया था, मर्डर करने नहीं गया था, चोरी करने गया था। जब वो चोरी कर रहा था, अटेंशन, कमेंट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए। वेरी गुड साक्षी जी, बहुत बढ़िया, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। एग्जैक्टली, हाउस ब्रेकिंग वो भी कौन सा होगा, आपके एन यानी कि नाइट वाला होगा, क्योंकि वो रात को 2 बजे है जो गया है, रात को 2 बजे गया। अब हाउस ट्रेसपास क्यों नहीं है, हाउस ब्रेकिंग क्यों है, ये भी आंसर आइडेंटिफाई करना जरूरी है। अगर आप पहली बार जो है ना, मतलब मान लीजिए आपने LLB करने के बाद डिसाइड किया है कि आप जो है जुडिशियल एग्जाम करोगे, और आप पहली बार ही वीडियो देख रहे हो बिना इस बात को जाने कि बेसिकली IPC में क्या आता है, CRPC में क्या आता है, तो ये वीडियो आपको बाउंस होगी, ये वीडियो आपको बाउंस होगी। लेकिन यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पता है क्या चीज है, आप जो है ना इस बात को मान के रखे चलो कि भविष्य में आपको ये चीज पढ़ना है। मैंने कल की क्लास में भी कहा था, आज फिर कहता हूं, अगर टारगेट क्लियर है कि जुडिशरी के अंदर ही जाना है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, अगर अपना टारगेट क्लियर है कि आपको जुडिशरी के अंदर ही जाना है ना, तो आज से ही प्रॉपर तरीके से, अब मौका मिल रहा है ना 2-3 महीने मेंस की तैयारी करने का, कर लो मेंस की तैयारी साथ साथ में करो। अगली बार जब एग्जाम आएगा और उस समय आप प्री के एग्जाम फाइट करोगे ना, आपका लेवल अलग होगा। तो भविष्य में अपने लेवल को अप करने के लिए आज के टाइम में आपके पास मेंस की तैयारी करने का मौका है। इट डजेंट मैटर कि आप एग्जाम दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, है ना, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एकलव्य जिसका अंगूठा मांगा गया था, रिमेंबर दैट कैरेक्टर इन द महाभारत, याद है, पता है उस बंदे का टारगेट नहीं था, उस बंदे ने, इसको नहीं पता था कि उसके जो गुरु द्रोण है वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, बट फिर भी वो बंदा साइड में रहकर अकेले में रहते हुए प्रैक्टिस करता चला गया। सही मौका आता है ना तब चीज होती है। अरे किसी और से मत सीखो, सब छोड़ो, एकलव्य को भी छोड़ दो, आप अपने देश के सैनिकों से सीख लो यार। पता है साल भर प्रैक्टिस करते हैं, साल भर, उनको तो पता भी नहीं होता कि युद्ध कब होने वाला है, होगा भी कि नहीं होगा, बट फिर भी वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, है ना। और हम अगले साल एग्जाम होने वाला है उसकी भी तैयारी नहीं, नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे। अरे हम तो आइंस्टाइन है, हम तो आइंस्टाइन है भैया, हम तो 2 महीने पढ़ के एग्जाम यूं पार कर लेते हैं यूं। भ्रम है, गलत फहमी है। कल अगर छलांग लगानी है ना, तो आज बॉडी को फिटनेस पे लगाना पड़ेगा। और ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आप वार्म अप हो रखे हो, बार बार ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वार्म अप हो रखे हो, तो ये सही समय पढ़ने का मान के चलेगा। ब्रदर आपका डिसीजन है, आपको अपने करियर की बैंड बजानी है तो बजाओ, लेकिन हकीकत तो ये अब सही समय है, प्रॉपर तरीके से प्लान कर ही लो और आगे बढ़ भी जाओ। हाँ जी, तो देखो क्या होगा, इस तरीके से हमारे सामने कोई मैटर आता है, एक एग्जांपल मैं आपको और दे रहा हूं, और इसके केस में आपको ऑफेंस डायग्नोसिस है जो करना है। तो आज की क्लास में आप समझ लीजिए कि आप पहला स्टेप कवर कर रहे हो। देखो सीढ़ियां होती है ना, सीढ़ियां 1, 2, 3, 4, ठीक है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। हमसे सबसे बड़ी गलती पता है यहां पर होती है, हम लोग क्या करते हैं जजमेंट राइटिंग सीखते समय, और जजमेंट राइटिंग सिखाते समय, जजमेंट राइटिंग सिखाते समय भी गलती होती, ध्यान से सुनना। हम लोग है ना इस पॉइंट को सीखते हैं, सीधा ये पॉइंट सीखते हैं कि मतलब ड्राफ्टिंग करते समय क्या ध्यान रखना। अरे भाई ड्राफ्टिंग तो सबसे लास्ट स्टेज है, ड्राफ्टिंग का जो स्टेज है वो तो सबसे एंड वाला स्टेज है, आप उस पर कैसे पहुंच गए ये आप देख लेना, ट्राई करना। आप किसी भी अपने सीनियर से मिलते हो तो आप उसे एक सवाल पूछते हो, क्या पूछते हो कि ड्राफ्टिंग का, जजमेंट ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे। अरे ड्राफ्टिंग बाद में बोलो उसको, ड्राफ्टिंग बाद में बोलो, पहले उसको ये बताओ कि भाई बेसिक चीजें सर कहां से शुरू करूं, कहां से शुरू करना चाहिए। तो कहां से शुरू करोगे ना, तो आपके सामने पहली स्टेज आती है। मैं ये बात मैं आपको क्रिमिनल जजमेंट के एंगल से बता रहा हूं, ठीक है, सिविल का नियम अलग होगा। पहली स्टेज आपके पास में जो होती है, होती ऑफेंस के डायग्नोसिस, मतलब आप अपराध की पहचान करो, अपराध की पहचान करो कि अपराध कौन सा है। अगर ये आपको आता ही नहीं है तो आगे का जजमेंट क्या लिख लोगे। मैं आपको बता देता हूं कि वो जो हमारे आदरणीय एग्जामिनर साहब होते हैं ना, जो कॉपी वॉपी चेक करते हैं, अगर आपने ऑफेंस ही गलत लिखा है, अरे कई बार जजमेंट को पढ़ते भी नहीं है वो, सीधा देखते हैं ऑफेंस क्या लिखा है बच्चे ने या बच्ची ने, देखा जाएगा कि हाँ ऑफेंस गड़बड़ लिखा है, छोड़ो नहीं पढ़ना। ये होता है और मानव भी, ह्यूमन बींग है अपन, और वो आपके कुछ कह ही नहीं सकोगे उनको। हाँ जी सर, आई एम इन 4th ईयर ऑफ लॉ स्कूल, सो हाउ मच टाइम बिफोर आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। जितेंद्र सिंह जी, काल करे सो आज कर, जब करना ही है जुडिशरी का, कोई दूसरा गोल नहीं है, स्पेसिफिक है, तो क्यों इंतजार कर रहे हो। 4th ईयर है ना, अगले साल आपका LLB कंप्लीट होगा, अभी जाके प्रॉपर तरीके से कहीं पर कोचिंग लो, जहां पे भी लेना है ले लो। आप कॉलेज की एजुकेशन के भरोसे मत रहना,
कॉलेज की एजुकेशन से नौकरी कर सकते हो, जज नहीं बन सकते। ये हमारी विडंबना है, ये सबसे बड़ा दर्द है, पेन है। अगर ये मैसेज कोई यूनिवर्सिटी के डीन साहब सुन रहे हो तो सुन लीजिए, जरूरी है। एलएलबी के स्ट्रक्चर को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, समय खराब हो रहा है एलएलबी के अंदर कैंडिडेट्स का। थोड़ा जगो, अच्छी खासी सैलरी मिलती है कॉलेज लेक्चरर लेवल के बंदों को, बट फिर भी क्या बजाते हैं, बैंड बजा देते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण वही बनता है। पढ़ा लिखा बेरोजगार क्यों है? क्योंकि हमारा सिस्टम हैंडीकैप पड़ा है यहाँ पर, हमारे कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम हैंडीकैप पड़ा है। और हम स्टूडेंट हैं, हम भी दूध के धुले नहीं है, हमारे कारण ही हैंडीकैप पड़ा है। वरना करो थोड़ा सा विरोध, विरोध करो यार, क्लासेस नहीं हो रही तो करवाओ। ऑनलाइन क्लासेस का बजट मिला हुआ है, क्यों नहीं करा रहे ऑनलाइन क्लासेस? वो करना चाहिए। खैर, अब भावनाओं के अंदर बह जाएंगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मेन बात इतनी सी है, प्रॉपर तैयारी करनी है, अभी कर लो। कॉलेज की एजुकेशन नौकरी दिला सकती है, जज नहीं बना सकती, एक अच्छा वकील नहीं बना सकती, इस बात को हमेशा याद रख लेना। कैंपस प्लेसमेंट हमारे यहां पर अच्छा होता है। अरे नौकर बनाने के लिए एलएलबी कराओगे क्या? खाली बड़ी बड़ी कंपनियों के जाके जाके वहां पर चाकरी बनेंगे लॉ ऑफिसर? काहे का लॉ ऑफिसर, 12-12 घंटे पूरा छील देते हैं आलू की तरह, वो लॉ ऑफिसर क्या करोगे? नाम के आगे लॉ ऑफिसर लगता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके काम करोगे ना? एलएलबी किया है तो अपने रुतबे का अच्छा जॉब लो, अपनी डिग्निटी का अच्छा सर्वाइवल लो, तब मजा आता है। ये कैंपस प्लेसमेंट प्लेसमेंट अपनी जगह पर ठीक है ना, लेकिन ऐसे तरह से खाली नौकरी करके काम चलाना होता तो आप बीए कॉम भी कर लो ना, डबल ग्रेजुएशन करके क्या ही करना फिर, समझो। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बड़े बड़ी दुकानें देख के मत जाओ, बड़े बड़ी दुकानें देख कर मत जाओ, अपने जीवन की रियलिटी के साथ में उसको कनेक्ट करो, क्या मायने रखता है, क्या मायने नहीं रखता है। एलएलबी अगर आपने 3 साल वाली की एक लोकल कॉलेज से, अगर वो रिकग्नाइज है तो उसकी भी वही वर्थ है, भले आपने 5 साल में लाखों रुपए पे करके वहां से एलएलबी कर रखा हो, नाम बड़ा होता है। अरे भैया चाय चाय होती है, देशी भाषा में बात कर दूं आपको, थड़ी की चाय पी लो, 5 स्टार की चाय पी लो, चाय तो चाय होती है, लेकिन हाँ आपने उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया है वो उसको बहुत ही अलग बताता है, बेहतरीन है जो बनाता है। नाउ अब क्या होगा यहां पर, तो सीधी सी बात है, प्रॉपर बेसिस पे आपको करनी चाहिए तैयारी, ज्वाइन करो मस्ती से। और लग रहा है लिंकिंग लॉ ज्वाइन करना चाहिए, सीरियस हो, डेडिकेटेड हो, देन मोस्ट वेलकम। लिंकिंग 10 आपको यूज करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा जब आप इसको इस्तेमाल करोगे, ताकि आप लिंकिंग लॉ से कनेक्टेड रहो। हिंदी मीडियम के नोट्स देखो, नोट्स जो है स्पेसिफिकली टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आएंगे, अनअकैडमी ऐप पर नहीं आएंगे। ओके, डिग्लॉट भाषा के अंदर नोट्स होते हैं ना, तो पढ़ाने का जो हमारा तरीका है वो भी डिग्लॉट रहेगा, और जो कंटेंट का तरीका है वो भी डिग्लॉट रहेगा, बोलो तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स के अंदर चलेगा मामला। नाउ अब क्या होगा यहां पर हमें सीधा से समझना है कि पहली आपकी स्टेज होती है ऑफेंस के डायग्नोसिस करने की, अपराध को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद में दूसरी तीसरी चौथी स्टेज आएगी, दूसरी तीसरी स्टेज को भी और डिस्कस करेंगे। अभी आप सबके सामने एक होमवर्क दे रहा हूं मैं, ठीक, फटाफट डिस्कस करूंगा, मुझे बताना कि यहां पर क्या चीज आपके सामने आने वाली है। हाँ जी सर, मैं तो विरोध करता हूँ लेकिन हमेशा नजरों में खटकता हूँ सर, फिर कॉलेज वाले प्रैक्टिकल मार्क्स में जाकर मेरी वार्ड लगाते हैं। बिल्कुल सही यार, किसी जिस बंदे ने भी लिखा ना, दिल का दर्द बताया, बिल्कुल सही लिखा है, ये फैक्ट है। कॉलेज वाले प्रैक्टिकल में जानबूझकर बैंड बजा देते हैं वहां पर, है ना, क्योंकि आपने उनका विरोध कर दिया ना इसलिए। और इसके पीछे भी यार सच बात तो ये है कि अपने जो कलीग्स होते हैं ना वो साथ नहीं देते ना, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने घर पे क्या रखा कि बेटा देख पढ़ने जाना, अपने कोई फालतू विरोध विरोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है ना, अच्छा है तुमको जो ना एक अच्छा लॉ लर्नर बनना है, सबमिसिव बनना है, ओवरराइडिंग कभी नहीं बनना है, ये होता है, ये बात अपने आप में होती है। लेकिन देखो इसका इलाज भी है, अगर आप में हुनर है ना तो बकायदा एग्जाम की कॉपियां निकलवाओ। आपको पता है मेंस बायो के अंदर, आपको छोटी सी चीज बता रहा हूँ, इजाजत है मुझे एक बात कहने की, आपको इंटरव्यू के समय छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। क्या होता है, अगर किसी बंदे के मेंस में अच्छे मार्क्स आए, और ये जो बात बताने जा रहा हूं ना मेंस के एग्जाम से सीधा कनेक्शन है इसका, सीधा लिंक है इसका, इसलिए आपको ये बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि आपके मेंस एग्जामिनेशन के अंदर अगर आपने अच्छा स्कोर लाया है, ठीक है, और आप इंटरव्यू के अंदर बिल्कुल कम स्कोर कर रहे हो, तो ये अपने आप में एक विवादित चीज होती है। क्या जो कैंडिडेट मेंस में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने उनको इंटरव्यू के अंदर आधा नंबर दिया, एक नंबर दिया, क्यों? ठीक उसी तरीके से कॉलेज के अंदर भी फंडा एप्लीकेबल होता है। आपने अगर यूनिवर्सिटी, अच्छा मजेदार बात पता है क्या है, आपकी कॉपियां आपके खुद के प्रोफेसर चेक नहीं करते, ये एक अच्छी बात है, कम से कम ये एक यूनिवर्सिटी की अच्छी बात है, मतलब कॉपियां जो है बाहर भेजी जाती है, ये भला है, है ना। तो आप मेंस के, आप रिटर्न पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कर लो, और फिर अगर आपको प्रैक्टिकल में रखे तो फिर भारत जिंदाबाद, मतलब लगाओ वहां पे फिर नारा, कैसा कैसे हो गया, आरटीआई से निकलाओ अपनी कॉपी।
लड़े बिना तो भैया जंग नहीं जीती जाती, रोए बिना तो माँ बच्चे को दूध भी नहीं पिलाती, है ना, दोनों बातें होती हैं यहाँ पर। तो ऑफेंस का डायग्नोसिस हमें करना होता है और इसके लिए आपकी कमांड होनी चाहिए इंडियन पिनल कोड पे। और पता है ये कमांड कौन डेवलप करता है? ये कमांड डेवलप करता है प्रीलिमिनरी की तैयारी। आपके प्रीलिमिनरी की प्रिपरेशन कितनी स्ट्रांग रही है ना, वो आपके मेंस की नींव है जो रखती है। और इसीलिए मैंने कल भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूँ, आप में से कई कैंडिडेट्स हैं जो क्या करेंगे, 5-6 दिन बाद जो है ज्वाइन करने वाले हैं इस मेंस के कोर्स को। आपके टेलीग्राम के मैसेज सारे आ रखे हैं, लेकिन मैं उनको यही कहूँगा कि 4-5 दिन बाद करोगे, इससे अच्छा है आजकल में करो। और अगले 10 दिनों के अंदर जो हमने प्री का सुपर फास्ट रिविजन किया था ना, 80 घंटे का, 80 आवर्स का, 80 आवर्स का जो सुपरफास्ट रिविजन कर रखा है, उस रिविजन को एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि वो आपके प्री का बैकग्राउंड रीचेक करेगा। और सुपरफास्ट रिविजन की वो 80 घंटे की क्लास है ना, आपके लिए मेंस का बहुत बड़ा सपोर्टिंग एविडेंस है जो बनेगा, मेंस का सपोर्टिंग एविडेंस है जो बनेगा। और 4-5 दिन के अंदर कोई खास इंटरेस्ट तो आप कमा नहीं पाओगे। अब जो पैसा आपको 10 दिन बाद लगाना है, वो पैसा अगर आज लगा दोगे तो कोई ज्यादा ब्याज का नुकसान हो जाएगा क्या? उल्टा 80 घंटे की क्लासेस फटाफट तैयार कर पाओगे, क्योंकि जब मेंस की क्लासेस स्टार्ट होगी ना, तब आप नहीं समय निकाल पाओगे प्री की क्लासेस को वापस देखने का, और उसमें थोड़ा सा आपके लिए नुकसान वहां पर रहेगा। सर नहीं नहीं इंटरेस्ट तो होता है। अरे क्या इंटरेस्ट होता है, आइए मैं आपको अमाउंट दिखाता हूं, कितना फिगर का आपको वहां पर जो है इंटरेस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए ये है आपके पास, पहला तो इनके पास दो ऑप्शन है अनअकैडमी के ऊपर, एक आपके पास प्लस का ऑप्शन है, दूसरा आइकॉनिक है। आइकॉनिक में क्या होता है, 1-to-1 होता है। देखो अभी जो मेंस के कैंडिडेट्स हैं उनको तो मैं ये सजेस्ट करूंगा भैया आप तो अपने अच्छे लेवल की तैयारी करूँ, आपको लग रहा है कहीं पर आपको गाइडेंस की जरूरत पड़ता है तो आप 1-to-1 के अंदर जाओ, आइकॉनिक के अंदर, ठीक। आइकॉनिक जहां पर आपके पास में एक तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट वाला मामला आ जाएगा, प्लस कोर्स में जनरल ट्रीटमेंट आप इसको समझ लीजिए कि एक तरीके से सारे कैंडिडेट्स को एक साथ डील किया जाता है। अब यहां पर आपके अमाउंट क्या लगने वाला है देख लीजिए, ये आपके अमाउंट है, अमाउंट क्या होगा यहां पर, हाँ जी 24 मंथ्स के अंदर ये वाला रेट आ रहा है आपके 55,000 रुपये, प्लस कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 18 महीने का आपके 46,000 का रेट आ रहा है अप्रोक्सली, 12 महीने का आपके 37,000 रेट आ रहा है, 6 मंथ का 27,500 आ रहा है। और इसके अंदर भी अगर आपने LINKING लिंकिंग 10 अगर इस्तेमाल किया है तो वहां पर ऑटोमेटिकली 10% जो कॉस्ट है वो तो रिड्यूस हो जानी है, 10% कॉस्ट वहां पर क्या रिड्यूस होना नहीं है। बाकी आप ईएमआई का ऑप्शन चूज करो ना, तो महीने का कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगे बिना, विदाउट पेइंग एनी सिंगल पेनी ऑफ इंटरेस्ट, आप क्या कर सकते हो वहां पर जो है इन क्लासेस को एंजॉय कर पाओगे और बिना कोई अतिरिक्त नुकसान झेले, है ना। अब यहां पर आपको चीज बात ध्यान में रखनी है क्या, कि जब आप इन पॉइंट को पढ़ोगे ना, देखो ये तो आपके इसके हैं प्लस कोर्स के, ये आपके आइकॉनिक का, आइकॉनिक का रेट थोड़ा सा प्लस रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। जैसे 24 मंथ 2 साल का 91,000 है, अगर आप 10% वो करोगे लिंकिंग टाइम तो लेस हो जाएगा, 12 महीने का ये और 6 मंथ का ये ऑप्शन आपके पास 36,500, 55,813। बस इतना ध्यान रखना कि आप जो भी कोर्स करो डेडिकेशन के साथ करना, यार पैसा लगा रहे हो, माता पिता आपका पैसा है ना, इतना सस्ते में नहीं कमाया जाता है, बहुत मेहनत की हुई होती उन लोगों ने। और शायद अगर आप खुद प्रैक्टिस करके खुद का पैसा लगा रहे तो इसकी कितनी अहमियत आप अच्छे तरीके से जानते हो। तो ऐसे केस में अगर अपना पैसा और समय इन्वेस्ट करो, पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समय, तो प्रॉपरली आपको क्या करना है ना, एकदम डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है। मंथली लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है मीनाक्षी जी, आप जब अनअकैडमी पर जाओगे वहाँ पर आप जुडिशियल कोर्स को सर्च करोगे, जुडिशियल कोर्स उसमें अलग अलग गोल्स होते हैं, तो गोल में आपको जुडिशियल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। वहाँ पर फिर नीचे आपको लिंकिंग 10 डालना है। अब आपको प्लस लेना है, एक आइकॉनिक लेना है, वो आप सेलेक्ट करोगे ना, तो फिर पेमेंट के अंदर आपके सामने ऑप्शन आएगा। जब पेमेंट करोगे ना तब आपके पास ऑप्शन आएगा कि 1 सिंगल पेमेंट करना चाहते हो या एक तरीके से आप जो है वहां पर क्या करना चाह रहे हो, वहां पर आप ईएमआई का ऑप्शन है जो यूज करना चाह रहे हो, वो आपको वहां पर है जो मिलेगा, ठीक। वहां से आपको चीज मिल जाएगी, ठीक है। मीनाक्षी जी कोई सवाल है तो फटाफट पूछ लो। सर मंथली के बारे में बताओ हिंदी मीडियम के लिए। अरे रीना जी हिंदी और इंग्लिश का फर्क तनसुख पालीवाल ने तो कभी किया ही नहीं, ना तो इस प्लेटफॉर्म पर ना कभी किसी और प्लेटफॉर्म पर। हमेशा भैया हम तो डिग्लॉट लेके चले, शुरू से एंड तक डिग्लॉट लेके चलेंगे। दोनों भाषाओं का होता है, चाहे कंटेंट का मामला हो चाहे डिग्री का मामला हो, और यही चीज है। यहाँ पर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट तो है नहीं कि 2,50,000 रुपये इंग्लिश मीडियम के लिए आ जाएगा और वापस उसमें से हम हमको 40% लेस करके 1,50,000 रुपये हिंदी मीडियम के लिए आ जाएगा, वो वाला तो मामला है नहीं, जो है वो क्लियर है। इंग्लिश और हिंदी के अंदर डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ना आज ना कल, ओके। दोनों चीज़ें हैं और ना ही इसके अंदर तैयारी के अंदर किसी तरह का डिफ्रेंशिएशन आपके सामने आएगा। जो कड़वी बात होती है वो भी आपके साथ साझा करेंगे और जो अच्छी बात है वो तो हर रोज करते ही हैं। खैर
अब देखिए आपके सामने मैं एक पार्ट रख रहा हूं, उस पार्ट को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब लास्ट का ये जो 15 मिनट का गेम है, इसमें आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप इस क्लास को कितना अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। यस, देखिए अब यहां पर आपके सामने जो सिचुएशन है वो क्या रहेगी, ये हमारे यहां पर प्रोसिक्यूशन का केस आ रहा है। फ्रेम द चार्जेस, फ्रेम द चार्जेस एंड राइट ए जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एलिगेशन। ये एग्जाम का सवाल बता रहा हूं सीधा आपको मैं। आप नीचे देखिए, अभियोजन के मामले के आधार पर आरोप विचित करें। क्या करना है, एक तो आरोप विचित करना है, यानी चार्ज फ्रेमिंग करना है, और तथा दिए गए तथ्य साक्ष्य तर्क, मतलब आपको क्या करना है, जो आपके प्रोविजन है, फैक्ट है, एविडेंस है, उनके आधार पर आपको एक जजमेंट है जो लिखना है। दो बातें यहां पर कहेगी, प्रोसिक्यूशन का केस क्या था वो देखिएगा। अब ये अगले 15 मिनट के अंदर में एक जजमेंट को क्या करने वाले, ऑब्जर्व करने वाले, और मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस केस के अंदर आप किस तरीके से समझेंगे। सर आइकॉनिक में भी पढ़ाएंगे तो आप ही ना, अरुणा जी चाहे प्लस हो चाहे आइकॉनिक हो, मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता और ना ही आप लोगों को अपने बिना रहने दूंगा। इस एक लाइन में समझ जाइए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा पे किया तो बस मैं आप पर अब वन साइडेड एग्रीमेंट हो गया, नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप लोगों के बिना। मुझे अच्छा लगता है जब मैं कोई भी अपना जो सूक्ष्म नॉलेज है ना वो आपके साथ शेयर करता हूं, तो और भी अच्छा लगे जब वो आपको जज बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसीलिए तो बार बार आपको कह रहा हूं कि जब भी आप सब्सक्राइब करो बस आपको इसका ध्यान रखना, ताकि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहो। लिंकिंग 1-0 का इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना, वरना हो सकता है एक मामला थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लिंकिंग 1-0 से जुड़े हो 1% भी ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। नाउ द प्रोसिक्यूशन केस इज दैट कंप्लेनेंट, यहां पर शब्द आ रखा है कंप्लेनेंट। कुलदीपक जो है 29 अगस्त 2007 को उसने एक सबमिट किए एक रिटन एप्लीकेशन, लिखित एप्लीकेशन दिए कहां पर, सिटी कोर्ट वाली के अंदर, इन विच इट इज मेंशन, उसमें ये लिखा गया था दैट ही हैज गॉट अ शॉप ऑफ मोटर पार्ट्स, उसके पास में एक मोटर पार्ट्स की क्या है, शॉप है। देखो जब भी आप एग्जाम के अंदर मेंस के एग्जाम में सवाल को पढ़ते जाओ ना, तो वहां पर पेंसिल से उस पार्ट को अंडरलाइन करते हुए चलो जो आपको लग रहा है कि सिग्निफिकेंट है, पेंसिल से उस पार्ट को अंडरलाइन करते हुए चलो जो कि अपने आप में सिग्निफिकेंट है। 62 पे प्रियंका जी आप ऑन लक्ष्मण रेखा हो, 60 से 62 के बीच में ऑन लक्ष्मण रेखा वाला मामला बन रहा है, बट स्टिल आई एम सजेस्टिंग तैयारी तो आपको स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। कट ऑफ के चक्कर में, रायचंदों के चक्कर में खुद को होल्ड करके मत बढ़ना। ये जो दिन निकाल रहे हो ना, जो जो दिन वेस्ट होते जा रहे हैं ना, आपका एग्जाम हुआ लास्ट 28 को, 29, 30, 31, 1st, 2nd, चार दिन चले गए। अब चार दिन अगर आपने किताब भी नहीं खोली है, बहुत बड़ा नुकसान है, पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी बात है। 62 सेफ जोन है, आप आगे बढ़ो फटाफट। इसके अंदर मोटर पार्ट्स, उसके पास मोटर पार्ट्स की शॉप है इन द नेम ऑफ गंगा ऑटोमोबाइल, ये उसने एड्रेस दे रखा है। अब 24 अगस्त को क्या हुआ, ये है घटना का दिन, लगभग रात को 9 बजे, कब रात को 9 बजे, ही वेंट टू हिज हाउस आफ्टर क्लोजिंग द शॉप, उसने शॉप क्लोज की और अपने घर चला गया, ठीक। सिमिलर बात आपको हिंदी में यहां पर लिखी हुई है। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 25 अगस्त को जब वो सुबह आया, रात को 9 बजे गया था 24 अगस्त के, 25 अगस्त को सुबह आया, जब उसने अपनी दुकान खोली तो उसने देखा कि कुछ मोटर पार्ट जो है वो बिखरे हुए पड़े हैं, मोटर पार्ट्स में स्कैटर्ड मोटर पार्ट जो क्या है वो इस तरह से बिखरे हुए पड़े थे। टू क्राउन ऑफ GNA कंपनी, जो कि टाटा के व्हीकल्स में यूज किए जाते हैं, जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी 7,000, वो उसको वहां पर नहीं मिले, वर नॉट फाउंड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट क्राइम नंबर दिस अंडर सेक्शन 457-380 इसमें रजिस्टर्ड मामला किया गया, FIR दर्ज कराएगी। FIR है जो यहां पर क्या की दर्ज है, जो करवाई गई इस केस के अंदर। नाउ वेयर रजिस्टर्ड, साइट मैप क्या प्रिपेयर किया गया, साइट मैप। पता है साइट मैप क्या होता है, जहां पर घटना होती है ना, घटना जहां पर होती है तो उसका ये जो है ना एक मैप तैयार किया जाता है कि कौन सी चीज की क्या पोजिशन थी चोरी होने के बाद में, इसको बोला जाता है साइट मैप। और साइट मैप अपने आप में एक एविडेंशियल रोल जो है वो प्ले करता है। हाँ जी सर, 59 का भी बता दो, 59 जनरल कैटेगरी है, सॉरी मेंस के अंदर फालतू उम्मीद मत रखो, आपको जो है अपने अगले लड़ाई के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। तारू जी अगर आज मैं आपको झूठ बोलूं, अगर आप मैं आपको दिलासा दूं कि नहीं हो जाएगा नहीं, बट फिर भी आपको क्या करना चाहिए, फिर भी आपको मेंस का तैयारी करना चाहिए। और ये मेंस की तैयारी आपके अगली बार जब आप प्री का अटेम्प्ट दोगे ना तब हेल्प करेगा, और अगली बार प्री का एग्जाम देना ही नहीं है, जुडिशरी को छोड़ देना है, तो फिर सब छोड़ डालो मुंह माया। हाँ जी, साइट में प्रिपेयर किया गया 457 क्यों आया, 457 यहां पर क्यों आया, ध्यान से सुनिएगा।
देखिए, अब जब भी आपके सामने कोई प्रोविजन आता है, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप वहां पर अच्छे तरीके से जाकर उस प्रोविजन को क्लिक करो। जैसे मैं आपको लैंग्वेज पढ़ के बताता हूं, अब इंडियन पिनल कोड के 457 की लैंग्वेज क्या है और इस केस में क्या हो, इस केस में क्या हो आपने देख लिया है ना। अब समझिए अच्छे से, सीता नायक जी डन, 51 डन, गो एट फॉर मेंस। ओके नाउ अब देखिए यहां पर फटाफट निकाली फोर, आपके पास बेरेक्ट होगा, ऐसी गलत फहमी में पाल लेता हूं, ठीक है। हाँ जी देखो क्या लिखा 457 ने, लर्किंग हाउस ट्रेसपास, प्रसन्नाचन ग्रह अतिचार या फिर हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट इन ऑर्डर टू कमिट द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। आप जो है किसी जगह पर एंटर कर रहे हो, है ना, या तो लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहे हो या नाइट के अंदर हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो, ठीक है, और उद्देश्य क्या है, ऑफेंस करना। Whoever commit lurking house trespass by night or house breaking by night in order to the committing of any offence punishable with imprisonment, ताकि कोई ऑफेंस कर सके तो उसको सेल भी पनिश किया जाएगा, कितने के लिए, 5 साल वगैरह के लिए, और अगर ऑफेंस हो गया है तो 14 साल तक की सजा वहां पर हो सकती है। अब ये बात जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है, इस बात से कनेक्शन क्या होगा कि 457 ने भैया घर में घुसा, शॉप के अंदर घुसा, शॉप में घुसा तो सीधी सी बात है थेफ्ट इन ड्वेलिंग हाउस वाला पॉइंट आ जाएगा। ड्वेलिंग हाउस आपके प्लेस ऑफ वर्शिप, प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ एनी मटेरियल, वो भी इस केस के अंदर है जो आ जाएगा, इसमें भी जो क्या है कवर्ड हो जाएगा। सोनाली जी लक्ष्मण रेखा पर हो, आप लक्ष्मण रेखा पर हो, किस्मत का रोल प्ले होगा, लेकिन किस्मत से बड़ी मेहनत आपको अभी करनी चाहिए मेंस के एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है, बाकी आपका चॉइस है। देखो यार मैं बार बार, पता है उन कैंडिडेट्स को जिनकी थोड़ी सी उम्मीद कम है उनको भी बार बार ये क्यों कह रहा हूं कि आप लोग मेंस की तैयारी करो, क्योंकि आप यकीन मानिए जब भी आप बड़े लेवल की चीज को क्रैक करने की कोशिश करोगे ना, छोटा लेवल आपको कभी मायने नहीं रखेगा। आईएएस के एग्जाम की तैयारी करने वाला कैंडिडेट्स कभी भी आरएएस के एग्जाम से डरता नहीं है, इस लाइन को नोट कर लेना, आईएएस की तैयारी करने वाला कैंडिडेट्स आरएएस के एग्जाम से डरता नहीं। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकली बड़ी सेट हो जाती है यार, मैं जब बड़े लेवल का एग्जाम देकर आया हूं तो छोटे लेवल का एग्जाम दे सकता हूं, उसके माइंड में ऐसा सेट होता है। आपने अगर मेंस की तैयारी का लेवल देखा है, फिर जब एग्जाम पेपर आएगा जिसको हम यूट्यूब पे सॉल्व करेंगे ना, उस समय आपको फील होगा कि हाँ सर ये मैंने पढ़ा था, और नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा पेपर आता है ना, मैं तो आसानी से क्रैक कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तब आपको फील होगा। अभी तो आप क्या कर रहे हो, टाइम खराब करोगे। मुझे पता, मैं कितना भी कह दूं, आप में से 70% कैंडिडेट्स अगर कट ऑफ से नीचे मार्क्स ला रहे हैं वो किताबों को बंद कर देंगे, और जब नई वैकेंसी आएगी तभी किताबों को खोलेंगे, और अगली बार फिर ये इतिहास वापस रिवाइज हो जाएगा, और फिर आप कहोगे कि समय निकल गया। समय निकल नहीं रहा है, आप निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो। 50 के अंदर भी 50 ओबीसी नॉट, ना नहीं होने वाला है। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपको, 55 से नीचे ओबीसी हो तो संभावनाएं खत्म हो जाती है वहां पर, ठीक है। 64 ईडब्ल्यूएस प्लस, बिल्कुल डन कर सकते हो आप। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो ऑफेंस आता है उसकी सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, आइडेंटिफिकेशन। न्यूज़पेपर के अंदर देखो, अच्छी जजमेंट राइटिंग करनी है, न्यूज़पेपर की हर उस इवेंट को पढ़ो, हर उस न्यूज को पढ़ो, जिससे कहीं ना कहीं क्या कर सको आप अपने इंडियन पिनल कोड को कनेक्ट कर सको, इंडियन पिनल कोड के साथ में सीआरपीसी को कनेक्ट कर सको, सीआरपीसी के साथ साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट को कनेक्ट कर सको। ये सारा का सारा खेल लिंकिंग है, पता है क्या। देखिए आपके 200 नंबर का पेपर है हरियाणा के अंदर भी, और 100 नंबर का पेपर है आपके राजस्थान के अंदर भी। अब यहां पर ये जो सेगमेंट डील करेगा कि आपने न्यूज़पेपर का कोई खबर पढ़ा, उस खबर से आपने आईपीसी का ऑफेंस निकाला, उस ऑफेंस से आपने चैप्टर 17 सीआरपीसी का चार्ज फ्रेमिंग किया, उस चार्ज फ्रेमिंग से आपने चैप्टर 27 का जजमेंट लिखा, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपने ये डिसाइड किया कि यहां पर कन्विक्शन क्या होगा, कन्विक्शन के अकॉर्डिंग आपने एग्जीक्यूशन के सेक्शन लिखे, ठीक है। और जब आप उसको ट्रायल कर रहे थे, ट्रायल करते आपने एविडेंस एक्ट को यूज किया, तो एक न्यूज पेपर की कटिंग आपके कम से कम 20%, कम से कम कह रहा हूं 20% सीआरपीसी आईपीसी का रोल प्ले करवा सकती है ना। ये मामला हमारे सामने आता है। एक सवाल आपके मन मस्तिष्क में ये भी आ रहा होगा कि सर प्रीवरी का एग्जाम तो हो गया, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, मेंस का एग्जाम कब होगा? अरे मेंस का एग्जाम प्री के रिजल्ट आने के 1 से 1.5 महीने के अंदर होता है, 1 से 1.5 या 2 महीने के अंदर मैक्सिमम हो जाता है। कोई अगर हाईकोर्ट में बंदा जाके रिट्वीट चैलेंज नहीं कर रहा है, तो आजकल क्या होता है एग्जाम को चैलेंज करना भी तो नया ट्रेंड चल रहा है ना, है ना। तो उस केस में अगर वो नहीं किया है तो उस केस में आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम पीरियड क्या मिलने वाला है, लगभग प्री के रिजल्ट के बाद 1.5 महीने, और प्री का रिजल्ट जो है एग्जाम की तारीख के 1 महीने के अंदर लगभग लगभग आ जाता है। लेकिन ओवरऑल सोनिया जी गो एट फॉर मेंस, तैयारी करो इसके अंदर। थोड़ा सा मामला हल्का सा डाउटफुल है लेकिन डन हो जाएगा।
63 आराम से हो जाएगा ऐसा उम्मीद है, क्योंकि 62 प्लस के आसपास जो है कट ऑफ रहने की प्रोबेबिलिटी है। EWS आकाश जी डाउटफुल हो आप, क्या डाउटफुल हो, बट तैयारी करना चाहिए आपको, मेंस का तैयारी करना चाहिए। खैर तो ये सारी बातें थी, और भी अगर आपको कुछ पूछना है आप जान सकते हैं। और इस तरह ये जो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा इसलिए रखा है ताकि आप अपने स्तर पर जो है ना उसको तैयार कर सको। और वैसे आपको बता दूं मैं, जब हम जजमेंट 7 या 8 जजमेंट लिख चुके होंगे ना, तो उसके बाद में 10वां जजमेंट आपको कोई और नहीं लिखवाएगा, आप खुद अपने हाथ से लिख पाओगे, और ये हमारे लिए बहुत मैटर है जो प्ले करेगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा स्पेशल क्लास था जजमेंट राइटिंग के ऊपर। अब इसके संबंध में आप कोई भी चीज़ पूछना चाहते हो तो अगले 5 मिनट तक वी कैन डिस्कस, अगले 5 से 10 मिनट अगर आपके मन में कोई भी सवाल जवाब है आप पूछ सकते हो। और उसके बाद में एंड के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि बहुत रिलेवेंट होगी। एंड का जो पार्ट रहेगा वो अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइप का रहने वाला है 5 मिनट का। इस बीच में अगर आपको कुछ पूछना है, 61 जनरल है, डाउटफुल मामला है, लेकिन तैयारी करना चाहिए आपको मेंस का। हाँ जी, ओबीसी का 60 सुबीजी सेफ जोन के अंदर लगभग हुआ, लगभग सेफ जोन के अंदर हो, गो अहेड फॉर दैट। हाँ जी, गो अहेड फॉर दैट, यस। क्रांति अवस्थी सर, अन अकेडमी पर मैंने के नोट्स कैसे मैनेज करेंगे? देखो ऐसा है, ऐप पर नहीं मिलेगा आपको, आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर, स्पेशली लिंकिंग लॉस का, बाकी के एजुकेटर्स की मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पर, लिंकिंग लॉस के केस में आपको वो चीज़ है बकायदा उपलब्ध कराई जाएगी, लिंकिंग जो अपना एक स्पेसिफिक अलग से ग्रुप बनाकर उसमें। ऐसे राइटिंग बिल्कुल होगा, ऐसे तो बहुत ज़रूरी है, जो मेंस का एग्जाम अपना मेंस की तैयारी स्टार्ट होने वाली उसमें ऐसे राइटिंग का तो सिग्निफिकेंट पोर्शन है, उसको तो कैसे छोड़ सकते हैं, है ना, उसको कैसे छोड़ सकते हैं। सर कैसे लिखा जजमेंट राइटिंग, कैसे लिखे जजमेंट राइटिंग, वही तो बताएंगे आपको, वही तो आपको डिस्कस करने वाला है। यस अनिल कुमार जी, गो एड डन, बिल्कुल आपको डेफिनेटली जो है ये चीज वहां पर क्या है करनी चाहिए, गो एड विद दैट। सर UPSC के लिए भी क्लास लीजिए, पलक जी सॉरी किसने पूछा, अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी हायर जुडिशियल सर्विस से तो अभी नहीं जाएंगे ओके, लेकिन हायर जुडिशियल सर्विस के जो कॉमन पोर्शन है वो आप UPPCSJ से तैयार कर सकते हो। अभी ऑलरेडी बैच चल रहा है, मैं आपको बता देता हूं, अभी अपने उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी मामला चल रहा है, उसके अंदर आप लोग जो कॉमन बैच चल रहा है ना, मेजर लॉ जो चल रहे हैं वो आपके लगभग 10 स्टेट्स के हैं, इसके अंदर यूपी शामिल है, दिल्ली शामिल है, गुजरात शामिल है, आपके उत्तर प्रदेश जो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की अगली वैकेंसी के अभी बैच स्टार्ट हो चुका है। बैच इन द सेंस आपको लग रहा होगा सर कॉमर्शियल प्रमोशन है, जो भी है बात इतनी सी है, जंगल में नाचा मोर क्या पता चलेगा, और अगर कोई बैच स्टार्ट हुआ है आपको नहीं पता तो आपको क्या पता चलेगा, है ना। हर रोज यही होगी जजमेंट राइटिंग की क्लास, नहीं साक्षी जी नहीं, हर रोज यहाँ पर जजमेंट राइटिंग की क्लास नहीं होने वाली है। यहाँ पर मैं आपके सामने डायग्नोसिस टेक्निक को ज़्यादा एलोबरेट करूंगा, सुपर अपने एक स्पेशल क्लास होगी जिसके अंदर अपन राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 2 या 3 जजमेंट स्पेशल क्लास के अंदर होंगे, और तकरीबन 15 से 20 जजमेंट जो है प्लस क्लास के अंदर होंगे, प्लस या आइकॉनिक जो इसको भी आप प्रिफर करें। हाँ जी, देखो किरण जी आप ना, जो मैंने एक लेक्चर लिया था जहाँ पर मैंने 800-900 कैंडिडेट्स के सैंपल के अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ देखा था, तो उस केस के अंदर वहाँ पर ये पॉइंट हमारे सामने आ रहा था, हमने कट ऑफ का प्रोविजन उस पर डिस्कस किया, अच्छे से डिस्कस किया बकायदा प्रूफ के साथ में, एविडेंस के साथ में। अनुकृति जी गो अहेड राइट, 70 ओके डन, गो अहेड विद दैट। UPCJ कब आएगी? रीना जी UPCJ के लिए तैयार हो जाओ, ये आपके आने ही वाली है, रास्ते में ही समझ लो आप, माइट भी हो सकता है कि 2-2 महीने के अंदर लॉन्च भी हो जाए, अनाउंस हो जाए, इसीलिए डोंट वेस्ट टाइम। जीवन के अंदर अपनी आंख से आंसू जो है ना, खुद के सिवा किसी के सामने मत बहाओ, इस बात को याद रखना, जीवन के अंदर आंसू जो है वो खुद के सिवा किसी के सामने मत बहाओ, क्योंकि जो दुनिया जो है ना वो आपकी सिंपैथी को टेम्परेरी मानती है और आपकी सफलता को ही परमानेंट मानती है। क्या कह रहा हूं मैं, ये जो दुनिया है वो आपसे सिंपैथी को टेम्परेरी मानती है और आपकी सफलता को ही परमानेंट मानती है। तो परमानेंट डिग्निटी और रेस्पेक्ट चाहिए तो भैया लड़ना पड़ेगा, खुद से भी लड़ना पड़ेगा और दुनिया से भी लड़ना पड़ेगा। हाँ जी, मनदेव जी बॉर्डर पे हो आप, डाउटफुल है मामला, बट फिर भी पॉजिटिव डाउटफुल है, 2 तरह के डाउटफुल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, आपका केस पॉजिटिव डाउटफुल है। हाँ जी, हरियाणा का ADA का कब तक आएगा? हरियाणा ADA के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं बता पाएंगे सर, नहीं, जिस चीज़ का जानकारी नहीं उसको कैसे बताएं। अनमोल जी 340 प्लस काइंड ऑप्शन, क्या कहना चाह रहे हो, आपका कमेंट जो ऊपर चला गया,
45 ST बता चुका हूँ मैं, 58 OBC अपन गोयल जी सेफ जोन है आपका, गो अहेड विद दैट, ठीक है, सेफ जोन के अंदर हो। सर मेंस के बैच का टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ ये एक अच्छा सवाल पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ कि मेंस का टाइमिंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग रहने वाला है, अर्ली मॉर्निंग। प्रोबेबली मेंस का बैच मैं 5:30 बजे, सुबह 5:30 बजे स्टार्ट करूंगा मॉर्निंग के अंदर, 5:30 AM से 7 AM नॉन स्टॉप कंटिन्यू क्लास रहेगी, मतलब 90 मिनट्स का आपका जो क्लास का टाइमिंग है जो रहेगा। ओके कौन सा? मेरी क्लास का। इसके अलावा जो माइनर की क्लास है, ऐसे राइटिंग की क्लास है, उसका टाइमिंग अलग है। दो क्लासेस मेजर लॉ और माइनर लॉ मॉर्निंग के अंदर डिस्कस करेंगे, और जो आपके ऐसे राइटिंग है, ट्रांसलेशन है, और जो लोकल लॉ है वो इवनिंग में डिस्कस होगा, ठीक है। तो दो टाइमिंग चलेगा आपका, डेली का लगभग 3 to 4 hours का जो क्लासेस रहेगा, है ना। मान के चलिएगा कि ये आपके ऑलमोस्ट 200+ hours की क्लासेस रहेगी। कितनी? 200+ hours की क्लासेस है जो रहेगी। रचना जी आपको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 85 में क्या सोचना, 85 में क्या सोचना, गोल्ड मेडल लेके बैठे हो आप तो। लेकिन पता है क्या है कि खुद के ऊपर ज़्यादा अति विश्वास मत करना जीवन के अंदर, अभी लड़ना बाकी, अभी तो शुरुआत है, अभी हमें खुद को साबित करना बाकी है। ये दुनिया गवाह है कि प्री के अंदर मेरिट लाने वालों को भी लोग भुला चुके हैं। अगर आपसे पूछ ले जाए कि लास्ट ईयर प्री में मेरिट में कौन आया था, कोई नहीं जानता, फाइनल में कौन आया था उसको मायने रखते हैं। हाँ जी बिल्कुल अलग बनेगी, दिव्यांग पर्सन की मेरिट अलग बननी चाहिए, नहीं बनती है तो ऑब्जेक्शन फाइल करना। राम मिश्रा जी गो एड विद दैट, 68+ से फेवर है। हाँ जी जनरल का 65 सेफ जोन है, मुकेश जी गो अहेड, करना चाहिए तैयारी आपको। अनमोल जैन जी बिल्कुल हरियाणा 340+ सेफ हो अनमोल जी, आप 340 के अंदर सेफ। अभी जो लेटेस्ट ऑब्जेक्शन ओवरूल्ड होके आए उसके अकॉर्डिंग तो कट ऑफ ऑल डाउन हो रही है ना। एडजस्ट 395 सोचना ही नहीं है, लड्डू है आपके हाथ में, लेकिन लड्डू आपके यहाँ तक मुंह तक पहुंचेगा जब और आगे तैयारी करेंगे। अब लापरवाही मत, 1% भी होना ही नहीं चाहिए आप तो, हालांकि करेंगे भी नहीं बट करना भी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। मुकेश भारद्वाज जी 65 सेफ जोन में हो जी, तैयारी करो अच्छे से। ओके मीनाक्षी क्या सवाल है आपका, प्लीज मीनाक्षी जी बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हो। सर आप मेन की टेस्ट लेंगे प्लस में, ऑब्वियसली दिव्या जी टेस्ट के बिना तो पता कैसे चलेगा, बिल्कुल टेस्ट होगा वहां पर, है ना। यस तो ये आपका 15 दिसंबर को स्टार्ट होगा, बट मैं फिर से कह रहा हूं आप आज कल के अंदर प्रॉपरली इसको ज्वाइन कर लो, ताकि आप 10 दिन की वो सुपर फास्ट मैराथन जो क्लासेस है 80 आवर्स की उसको अच्छे से इंजॉय कर पाओ। अलग से इसका एक मैसेज मैं अभी अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी डालने वाला हूं, ताकि आप वहां से सारी जानकारी इकट्ठी कर सकें। कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे? सर रामकृष्ण जी प्रोबेबली जो है 3 to 5, 3 से 5 क्वेश्चन राजस्थान के अंदर डिलीट होने की संभावना है। हाँ जी ओके सर जनरल वुमन 64 मेल फीमेल में कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, किरण जी ध्यान रखना, सॉरी किसने पूछा था, सहिल जी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा मेल फीमेल के अंदर, क्योंकि आजकल नारी शक्ति बराबर टक्कर दे रही है जुडिशियल एग्जामिनेशन के अंदर। सर कॉपीज चेक आप करेंगे मेंस मॉक्स की? देखो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोबेबली तीन टेस्ट होंगे, 3 से 5 टेस्ट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, एग्जाम की डेट क्या रहती है उसके अकॉर्डिंग, मिनिमम 3 है मैक्सिमम 5 है। इसमें से शुरुआत के 2 टेस्ट एग्जाम एक्सपर्ट चेक करेंगे, और तीसरे टेस्ट के टॉप 25 कैंडिडेट्स, ध्यान से सुन लेना, जो शुरुआत के 2 टेस्ट के अंदर टॉप रहेंगे ना, उन टॉप 25 कैंडिडेट्स की कॉपी पर्सनली मैं चेक भी करूंगा और पर्सनली उनसे कॉल पे बात भी करूंगा, लेकिन सिर्फ लास्ट वाले टेस्ट की, उससे पहले वाले टेस्ट की जो कॉपीज है वो कौन चेक करेंगे, हमारे जुडिशी के एक्सपर्ट पर्सन जो है अनअकैडमी के अंदर अवेलेबल है उनके द्वारा चेक की जाएगी। जो चीज़ें क्लियर बताएं जी ज़्यादा ठीक रहता है, अभी आपको मैं गुमराह करूं बिल्कुल गलत बात है और मन भी नहीं मानेगा मेरा, और किसको गुमराह कर रहा हूं, अपने परिवार को गुमराह करूंगा नहीं, जो है फैक्ट है वो आपके सामने बताएं। उत्तराखंड की वैकेंसी, अरे तैयार हो जाओ संजीदा जी, हेलमेट पहन लो, ग्लव्स पहन लो, बैट हाथ में ले लो, बॉलिंग आने वाली, बैटिंग करनी है आपको। मजा तब आएगा जब एक शानदार तैयारी हो और शानदार तैयारी को और बेहतरीन तरीके से समप कर पाए। सर रेगुलर बैच वाले मेंस अटेंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आपको अनअकैडमी पर जो मिलता है ना वो एक तरीके से वैलिडिटी मिलता है। तो वैलिडिटी के तहत क्या है कि कोई भी पर्सन कोई भी बैच अटेंड कर सकता है। अगर आपकी इच्छा है अनिल खन्ना सर का बैच अटेंड करने की, गो अहेड विद दैट, वो भी आप कर सकते हो, मस्ती से कर सकते हो। फैजान खान सर का बैच अटेंड करना है, वो भी आप कर सकते हो। आपको जो हमारे सर है अपूर्वा जी, उनके बैच आप अटेंड कर सकते हो, है ना। तो जिनका भी चाहो, करंट सर, रांगवान सर, उनका बैच अटेंड कर सकते हो, जिनका मर्जी आप उनका बैच अटेंड कर सकते हो। लेकिन
ध्यान रखना भैया, लिंकिंग का तड़का लगने के बाद ना सादा खाना आपको भाएगा नहीं, वो अब आपको डिसाइड करना है कि यू नीड टू गो एड विद दैट। लेकिन हाँ, हर पर्सन अपने आप में एक्सपेक्टेशन रखता है। ओके तो आप प्री अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप दोनों बैच। अच्छा एक चीज और, आप 7-8 दिन बाद का प्लान बना रहे हो ना, मैंने आपको बार बार कहा है कि अभी कर लो। क्यों कर लो? ताकि आप पुराने लेक्चर्स को देख पाओ और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। लेकिन 10 दिन बाद करोगे, हो सकता है वो चार्जेज वहाँ सेक्शन वहाँ से जो पार्ट है वहाँ से हटा दिया जाए। ये ध्यान रखना है। MPCJ वैकेंसी कब तक आएगी? सागर जी, MPCJ वैकेंसी को 3 महीने लग सकते हैं, 1.5 से 3 महीने का समय उसमें लग सकता है। चलिए भाई, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मेंस और प्री दोनों करवाएंगे? नहीं नरेंद्र जी, नहीं। 6 मंथ का जो सेगमेंट है वो आपके मेंस और इंटरव्यू का है, मेंस और इंटरव्यू का है। प्री का जो क्लास चलता है वो कम से कम 8-9 महीने टाइम लेता है। कितना? 8-9 मंथ जो टाइम लेगा, क्योंकि उसके अंदर थोरोली प्रैक्टिकल लिंकिंग होती है, थोरोली। तो उसके लिए समय लगना ही लगना है। जैसे आज केस आ गया नेहा त्यागी का, तो आज की क्लास पूरी नेहा त्यागी के केस को डिस्कस करने में भी चली जा सकती है ना। तो ऐसे केसेस के अंदर हम लोग जो है ये आपको कमिटमेंट नहीं करेंगे 5-6 महीने के अंदर प्री मेंस हो जाएगा ना, झूठा कमिटमेंट नहीं होगा भैया। मेंस और इंटरव्यू, अभी जो कैंडिडेट्स है ना, आप 3 महीने का दिमाग लगा रहे हो तो भी अधूरा दिमाग लगा रहे हो। आपका अगले महीने इंटरव्यू, आज आपका वैलिडिटी खत्म हो गया तो ये 1 महीना आपको बहुत इरिटेट करेगा, क्योंकि आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान में है जो रखना है। चलिए, कट ऑफ एनालिसिस शेयर किया जा चुका है सर, ऑलरेडी शेयर किया जा चुका है। आप जाके स्पेशल क्लास देख लीजिए, फ्री में पढ़ा है, वहां पर आप अच्छे से अटेंड कर सकते हैं। करें तो पर्याप्त होगा, बहुत है जी, मैं जी निश्चिंत रहो आप। ओके, जितना एक्साइटमेंट आपके अंदर है उतना एक्साइटमेंट मैं भी लेकर बैठा हूँ कि आप लोगों को जो कम से कम उतना तो तैयार करो कि लड़ सको, हिम्मत नहीं हारो अपनी। ठीक है शाइल जी, गो एड विद दैट, 64 इज अ गुड वन। ओके नॉट बैड। कब तक आएगी? 3 महीने बाद आएगी यूपी वैकेंसी, UPCJ का 2.5 से 3 महीने के अंदर वैकेंसी आ सकता है। अगले 2.5 से 3 महीने में सारी बरसातें होने वाली है, इसलिए कह रहा हूँ अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। ओके चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। एंड बस आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि देखो, जीवन के अंदर सही मौके पर सही चौका मार लो, क्योंकि वही चीज़ आपके काम आनी है। लिंकिंग लोग के टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड रहना और साथ ही साथ में यूट्यूब चैनल से कनेक्ट रहना, क्योंकि इन चैनल्स पर कभी बकवास नहीं आएगी, सीधे मुद्दे की बात होगी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।